तो हाय गाइस, आज हम अभी हम बात करने वाले हैं इस सेनहाइजर के हेडफोन्स के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छे हेडफोन्स है, ऐसा सब लोगों को पता है, रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हम बात करेंगे इस हेडफोन्स के बारे में, जो कि है CX180। ये मेरे फेवरेट ईयरफोन्स है गाइस। अभी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ये टूट फूट चुके हैं, कहीं कहीं से वायर निकल चुकी है, कहीं कहीं से पता नहीं क्या क्या कट्स आ गए गाइस, बट ये हेडफोन्स काफ़ी सही है गाइस, ट्रस्ट मी यार। ये जो मेरे को हमेशा मिलते थे 699, 799 और मैक्सिमम 600 और 800 के बीच में ये हेडफोन्स मिलते हैं, 10 CX180 ले चुका हूँ मैं गाइस। और जो सेनहाइजर की 2 साल की वारंटी वाला जो स्कीम है, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है गाइस। अभी फ़िलहाल तो ये सिर्फ एक ही कान से बज रहे गाइस, एक ही कान से बज रहे हैं, क्योंकि इसको हो गए यार अभी 3-4 साल हो चुके हैं, और ये 3-4 साल में अभी और कितने ही चलेंगे गाइस। और ये हेडफोन्स मेरे हिसाब से आज तक के सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ है जो भी मैंने ख़रीदी है आज की इस दुनिया में, क्योंकि यार ये देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी अगर आप देखोगे गाइस, तो अनलाइक एनी अदर हेडफोन्स की तरह ये साउंड क्वालिटी है गाइस, काफ़ी सही बजते हैं ये, और काफ़ी सही मज़ा आता है इस हेडफोन्स में सुनने को, आसपास की चीज़ें कुछ सुनाई नहीं देती है। अभी इस बार की सेल में या फिर इस बार ऑनलाइन में मैं इस हेडफोन्स को ढूंढ रहा था गाइस, मुझे ये हेडफोन्स नहीं मिले, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं गाइस। बट ये हेडफोन्स मैं सेनहाइजर वाले अगर इस वीडियो को देख पा रहे तो मैं बताना चाहता कि यार हिंदुस्तानियों को इन हेडफोन्स की ज़रूरत है। ये ब्लूटूथ शूटूथ तो चलते रहेंगे, बट ये हेडफोन्स सारे हेडफोन्स के बाप है गाइस। और अगर आपको ये हेडफोन्स कहीं से भी मिल रहे हैं ओरिजिनल, तो फिर इसको बेझिझक होके ले लीजिए, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि यार ये हेडफोन्स क्यों ले लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये हेडफोन्स को मैं बहुत जगह पे लेके जा चुका हूँ, बहुत बार इसमें गाने सुन चुका हूँ। अभी इसके एग्जैक्ट ड्राइवर स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में तो मुझे गाइस इतना ज़्यादा नहीं पता है कि ये कितना ड्राइवर है, इसका क्या है। मैं खुद फिल्म मेकिंग करता हूँ गाइस, और मुझे म्यूज़िक सुनना बचपन से ही पसंद है, मैं वॉकमैन और वो सारी चीज़ें सुनता था, तो मैं चाहता था कि मुझे जो गाने सुनना पसंद है उन्हें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अच्छे ऑडियो में ही सुनना मुझे पसंद है। जबकि जो मेरी जो मॉम है वो कहती है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, कोई भी हेडफोन सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं होता, म्यूज़िक अच्छे हेडफोन्स में काफ़ी अच्छा सुनाई देता है, और उन अच्छे हेडफोन्स में से ये है गाइस। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने सारे हेडफोन्स के साथ ये जो है ऐसे 3 अलग अलग टाइप के ईयरबड्स देते हैं, जिसका कान छोटा होता है वो छोटा डाल सकता है, जिसका कान बड़ा है वो बड़ा डाल सकता है, और मेरा कान बीच में है तो मैं ये बीच का यूज़ करता हूँ, सॉरी ये सबसे बड़ा है गाइस, ये मैं बड़ा वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि बड़े वाले में नॉइस कैंसिलेशन और आसपास की चीज़ें कम सुनाई देती है। तो गाइस अगर आपका लक अच्छा है और सेनहाइजर ने भी चाहा कि यार हिंदुस्तानियों को ये हेडफोन्स वापस दिए जाएँ, तो गाइस ये हेडफोन्स ले लीजिए CX180। इसको 3-4 साल यूज़ करने के बाद इसकी हालत ऐसी हुई है, लेकिन अभी भी इसका एक कान जो बज रहा है, अगर आप उसको भी सुनोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज यार ये हेडफोन्स ऐसे हेडफोन्स हैं जो यार 100 साल में एक ही बार ऐसे कुछ चीज़ बनती है इतनी अच्छी। तो गाइस बेझिझक हो गए ये हेडफोन्स ले लीजिए, अगर ये आउट ऑफ स्टॉक है तो अपने दोस्त लोग को पूछिए, अगर उनके पास वो हेडफोन्स है तो उनसे वो ले लीजिए। और गाइस दिवाली आ रही है, सब लोग आसपास फटाके फोड़ रहे हैं, तो गाइस यार मैं तो बोलूँगा आपको ये हेडफोन्स ले लो बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप करना ही चाहते हो, बहुत उड़ाना ही चाहते हो, तो आप देखो गाइस, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतने पैसे थे नहीं तो मैं ये हेडफोन्स ले रहा था, लेकिन मैंने बाद में मेरे दोस्त लोग के बहुत महंगे महंगे हेडफोन्स भी सुने गाइस, ये किसी के भी आसपास नहीं है, आई मीन टू से कि कोई भी इसके आसपास नहीं है गाइस, ये काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे अच्छे हेडफोन्स मार्केट में नहीं है, बट ये जो प्राइस में हेडफोन्स मिल रहे हैं गाइस, वो प्राइस में आपको कोई भी इससे अच्छे हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मिलेंगे, तो भाई बताओ यार कौन से हेडफोन्स हैं, मैं भी उनको सुनना चाहूँगा।